हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड पोकेमॉन फायर एश, एपिसोड नंबर 31। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम पहुंच चुके थे ट्रोविटा आइलैंड पे, और हमने ट्रोविटा आइलैंड के जिम लीडर रूडी को डिफीट करके अपना स्पाइक चैल बैच ले लिया था, जो कि आपको लेआउट में दिख ही होगा। और हमने एक स्नोरलैक्स भी पकड़ा था, जो कि 7 ग्रेफुट आइलैंड पर मिला था हमको। आज के एपिसोड में आगे जिन्हें कॉन्टिन्यू करेंगे, तो चलते हैं दोस्तों। एक मिनट रुको, पहले मैं चारिजर्ड को आके कर लेता हूँ। बस ऐसे ही मोटिव के लिए कर रहा हूँ। जो साइकिल निकालते हैं, मेरे ख्याल से नया आइलैंड तो ओपन हो गया होगा, कोई खुल गया होगा नया आइलैंड कोई। ये रहा सेलर, तो साइकिल हटा के इससे बात करते हैं। वेलकम टू लेफ्टनेस लॉन्च, एक नया आइलैंड खुला दोस्तों, स्कॉर्पियो। तो आज हम जाएंगे स्कॉर्पियो आइलैंड पे, और हम पहुँच चुके हैं दोस्तों स्कॉर्पियो आइलैंड। फर्स्ट हम इस आइलैंड पर नए नए आए ना, तो पहले गेम को सेव कर लेते हैं। चलो सेव नहीं, सॉरी, वो हील कर लेते हैं। सेव ही मैं कर ही देता हूँ, नहीं रुका, यहीं पर सेव कर लेते हैं एक बारी। एप्लीकेशन के लिए क्या पता कोई ग्लिच चाहिए कि नहीं, नया लेना और फर्स्ट टाइम आए ना। चलो इस लड़की पहले यहाँ पे थोड़े से बंदे, इनसे बात कर लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं सिटी को। कैप्टन एडन मेन टीम इज अ टीम वॉट टर्टल। You know what? I have no idea where all the squirtles came from. Captain Nadon only trained Pokemon from the Squirtle family, despite there being many different water Pokemon. तो चलते हैं बाहर की तरफ। साइड में घर है, इसको भी चेक कर लेते हैं। पता नहीं यहाँ पर जीपो जीप से घर है। एक लड़की से बात करते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो अप एंड हेल्ड अप स्टॉप फायर, तो क्या बोलती है। मैं कोई साइकिल यूज़ करता हूँ, वरना पे लैग तो मारेगी, मुझे पता ही है। और यहाँ पे अजीब सा घर है, इसमें मैं जाके चेक कर लेता हूँ। तो जलता है इसमें, ये कौन है। कैप्टन एडन, वन ऑफ माई फोर टर्टल इज मिसिंग। It has a scarf on it. You cannot miss it. What are you? देखते हैं, चलो ढूंढना पड़ेगा। नीचे की तरफ भी घर है वैसे, क्या घर को चेक करना चाहिए दोस्तों। बैकग्राउंड में वॉइस आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। चेक करते हैं फर्स्ट पहले इस घर को। यहाँ पे एक लड़के से बात करते हैं। इफ यू एवर गेट इन द फायर दिस विल हैपन टू वन हील। इसने हमको वन हील दे दी, अच्छा है, आदमी यूज हो सकता है। इस घर को भी चेक कर ही लेते हैं ना। कैप्टन एडन डज सच अ गुड जॉब रेजिंग हिज पोकेमॉन फायर फाइटर। तो चलते हैं बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ चेक देखते हैं। कैप्टन एडन में देखा नाम, सुनो सुन रहा था ऐसे। मेरे टीमों के टीम चुका है इसका मोटेटल, वही पिकाचो पड़े रहते हुए चुराई होगी। तो चलते ऊपर की तरफ देखते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे स्क्वर्टल हैं, वाटर टल, और ये ब्लास्टर्स भी है। क्योंकि पहले ग्रास है, पिपल को यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज मेरे पास पिपल तो पड़ा ही होगा। नीरो को इसी में होना चाहिए। हाँ, ये दोस्तों मैक्स पिपल 23 पड़े मेरे पास, ऐसे चलाई यूज़ कर लेते हैं। पुलिस के चल लेते हैं आगे तरफ। चलो पहले फाइट टल आ रही है, बैटल करते हैं। आई एम प्रैक्टिस टू अ फायर फाइटर, देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है। चार चार पोकेमॉन, पहला गोल्ड हक, एयर स्लैश। चलो एयर स्लैश, चलो इसका पहला तो गया। नेक्स्ट कौन सा,
गोल्ड डक है, चेंज करके पिकाचू ले लेता हूँ। सर तो वाटर टाइप का तो बना रही, ठंडा वोल्ट काफ़ी रहेगा इसके लिए। चलो इसका सेकंड पोकेमॉन भी देखो, सेकंड थर्ड भी वोल्टेक है, तो इसमें भी वोल्टेक की टीम है, इसके लिए ठंडा वोल्टेक काफ़ी रहेगा। सुपर इफेक्टिव होना चाहिए। चलो दूसरा गोल्ड डक, तीसरा सर और लास्ट में सब गोल्ड डक चेंज नहीं करूँगा। चलिए ठंडा बोल्ट और वैसे सुपर गोल्ड थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे तो थे, 43 लेवल के थे वैसे दादा। चलो वैसे हम उसको हरा दिया, आगे चलते हैं। अगर वैसे बहुत बैटल्स आएंगे जो लगता था ऐसे ही है, वो साइकिल यूज़ करी थी, वो लैग टाइम की मारती बीच में। मेरे ख्याल से अगर डबल बैटल है और पिकाचू हो गई आगे, जो करते बैटल फिर इससे टेस्ट माई लव फुल पावर, देखते हैं ब्रो कितनी ताकत है तुम दोनों में। दो ही पकड़ मिले, चलो मारिया टॉनी, ये गलत कर दिया, फ्लेम थ्रो इसको और क्विकर टैप इसको, अच्छा पॉइजन हो सकता है। चलो फ्लेम थ्रो देखते हैं। चलो ऐसे फर्स्ट पकड़ दे इसका, गया वीक ही रह गए, चढ़ी चढ़ जाएगा 53 लेवल का, कोई बात नहीं चढ़ जाए। फ्लेम थ्रो और पिकाचू का ठंडा बॉल यूज हो सकता है ग्राउंड टाइप का, मुझे पता नहीं था, कोई एक्चुअली वैसे हार गया ये। स्टोरी रहा है, चलो इन ट्रेनर्स को तो हमने हरा दिया दोस्तों। वेट करो मैं पकड़ों को हील करके आता हूँ। थैंक यू फॉर वेटिंग, मैं पकड़ों को हील करके आगे चलते हैं। तो ज़्यादा तो थे नहीं, बस पता नहीं बैटल्स तो है यहाँ पे की सर, इसी भी बैटल ही करेगा। चलो इसी भी कर लेते, देखते हैं। गो इजी ऑन मी, देखते हैं इस पर कितने पॉकीमॉन है। चलो इस पे एक ही पॉकीमॉन है, वो भी ग्लू, जो अच्छा है। हमने चार्जर को आगे रखा, फ्लेम थ्रो काफ़ी रहेगा, सुपर इफेक्टिव होना चाहिए इसके लिए। चलो ठीक था, वैसे हमने इसके ग्लू को हरा दिया। चलते हैं आगे, वैसे आगे पता नहीं, ये तो मेरे ख्याल ट्रेसी है शायद, ये भी बैटल ही करेगा। चलो करते हैं फिर बैटल। ट्रेसी ओ हे दीपक इज नॉट दिस फॉरेस्ट अमेजिंग, देयर आर सो मेनी पोकेमॉन हियर। वैसे हमको सब बैटल करनी ही चाहिए, क्या ऐसा कभी की नहीं ना, क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे चलते नहीं पोकेमॉन है। फॉरेस्ट इसका सही है, फ्लेम थ्रो काफ़ी है, इसे हार जाना चाहिए पहले अटैक में। चलो इसको हमने हरा दिया। सेकंड मेरल है, मेरल की वजह से पिकाचू है हमारे पास। फाइट करते हैं इसे, थंडर बोल्ट काफ़ी रहेगा। चलो इसको भी हरा दिया दोस्तों ने, पिकाचू जो है लेवल 52 का, थोड़ा चार हजार को बुलाना पड़ेगा दोस्तों। बैकग्राउंड में अगर चीजें को चचाने की बात है तो प्लीज इग्नोर इट, और उसके लिए सॉरी है। चलो फ्लेम थ्रो इसको हटा देता हूँ, कर ही नहीं पाएगा अटैक स्कल बैश। चलो इसकी पूरी टीम को वैसे हमने फिनिश कर दिया। और हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे बैटल है कोई, ये शायद बैटल कर सकता है, उससे बच के नीचे की तरफ से निकलता। और हम बच चुके हैं, और शायद ये बैटल करेगा। चलो इसको तो हमने चकमा दे दिया। एक मिनट से जीवो सा है, फिर एक मिनट प्रिकॉशन के लिए सेव कर लेता हूँ, सेकंड को हटा देता हूँ, सेव कर लेता हूँ।
ये बड़ा सा घर अजीब सा लग रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। चलो चलते हैं घर के अंदर देखते हैं। ये देख, हमने पता था टीम वर्क ने जैसी ऑल ऑफ द टाइम्स फॉर यू टू कम एंड ट्राई टू रियन आवर प्लान्स। जेफ दिस वाटर टल इज अवर, नाउ वी आर गोइंग टू गिव इट टू द बॉस। बस ये करेंगी आज का। चलो चलो पॉकेट मैन के पास चलो, फर्स्ट रूम का हर पॉक थैंक यू, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फ्लेम थ्रो चलो चलो, फर्स्ट तो उनका दिया, सेकंड विजिंग चेंज नहीं करना। चार्जर को भरोसा है मुझे, वो हरा देगा फाइट के लिए। फ्लेम तो चलो, हमने इसको हरा दिया। उसके नेक्स्ट पर कौन सा लिकी टंग, लिकी टंग के लिए भी चार्जर ठीक है। यहाँ तो ऐसे ग्राउंड टाइप में से पता नहीं ग्राउंड टाइप ही होगा। तो इसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया। और लास्ट पर कौन सा इसका विक्ट्री बेल ठीक है, इसके लिए भी चार्जर ही काफ़ी होगा। चलो दोस्तों, हमने स्किन की टीम रॉकेट को फुल टू फिनिश कर दिया है। चार्जर हल्का सा रह गया लेवल 54 पे होने के लिए, कोई बात नहीं। ट्रैप द बिल्डिंग कैच ऑन फायर, लेट्स गो आउट हियर व्हाइल वी कैन। इसको हमने हरा दिया वैसे टीम रॉकेट को। अब ये क्या हुआ बीच में, कैप्टन एडन वाटर टल वाटर गन। कैप्टन एडन थैंक्स फॉर फाइंडिंग वाटर टल, आई होप यू डिड नॉट गेट हर्ट इन डेट फायर। Water Turtle and I are going to head back to our place now. Stop by when you get a chance. चलो पॉकेबॉल उठा लेते हैं, इसमें है क्या, हमको मिला टीम 89 यू टर्न। वैसे होता क्या, साइकिल यूज करके चलते हैं। वो हमने उसने बोला हमसे मिल, तुम इससे आगे मिलो, देखते क्या कहता है वो। वही कैप्टन एडन बैटल तुमने कर ली थी, उसको दो बैटल नहीं की इतना। वैसे कुछ बैटल्स को इग्नोर कर देना चाहिए, ये सारी बैटल्स करो। चलो यहीं से नीचे आते ना, वहाँ से रेस्ट ठीक है। जाना आसान, वापिस जाना आसान है, जाना उतना मुश्किल है ना। कैप्टन एटम का मेरे ख्याल से इधर ही था ना, फिर तो बैटल ना लग जाए करने, तो जाके पता चलेगा ना, पहले से बात बूत करके पता चलेगा। देखते हैं इसने हमको किस लिए बुलाया। चलो साइकिल हटा देते, रुको एक मिनट और चलते हैं इसके घर में। ये देखो वाटर टल यहाँ पे खड़ा हो गया, चलो रिप्ल भी सही टाइम पे ख़त्म हुआ है। चलो इससे बात करते हैं। कैप्टन एडन थैंक यू फॉर हेल्पिंग आउट माय वाटर टल, लेट मी रिवॉर्ड यू। इसने हमको एक रेलवे स्कोप दिया, वैसे होता है इससे पता नहीं कुछ। चलो चलते हैं बाहर की तरफ, पॉकेमन को हील कर लेते। वैसे हेल्थ तो ज़्यादा नहीं गई, कमी गई है, हील तो करना ही चाहिए ना। पीपी तो कम हुई होगी, हेल्थ नहीं कम हुई किसी की। जो यहाँ पे हेल्थ बढ़ा देगा वहाँ के, दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, साइन ओवर दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।